छुट्टियां हुई ख़त्म, स्कूल खुलते ही बच्चों की सबसे पहली डिमांड कि मम्मा लंच में आप क्या दोगे। मैं लाई हूँ एकदम नई रेसिपी टिफ़िन के लिए, सिंगापुरी मैक्रोनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंगापुरी मैक्रोनी। सिंगापुरी नूडल्स तो आपने बाहर से बहुत बार खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट बनाते हैं। हम बनाते हैं सिंगापुरी मैक्रोनी। ये बनाने में तो इजी है ही और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मैक्रोनी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हम लेंगे एक कप मैक्रोनी। मैंने मैक्रोनी ली है, आप चाहें तो पास्ता भी ले सकते हैं। एक सैशे मैगी मसाला और नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। और अब आपके फ्रिज में जो भी सॉसेस पड़ी हैं वो निकाल लीजिए। मैंने ली है टमाटो केचप, सिरका, और ली है मैंने शेज़वान सॉस, सोया सॉस, और ली है मैंने ये ग्रीन चिली सॉस। और सब्जियां मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये लिया है ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसका प्राइस है सिर्फ 25 रुपीज़, और इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगते। अब हम एक पतीले में लेंगे 5 से 6 कप पानी, उसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर हम उसमें डाल देंगे मैक्रोनी बॉईल होने के लिए। आप मैक्रोनी जब भी डालें उबलते पानी में डालें, ठंडे पानी में नहीं डालें। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये 80% तक कुक हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमें पूरा नहीं पकाना है इसे, नहीं तो ये मैशी हो जाती है बनने के बाद। सिर्फ 80% ही कुक करना है हमें इसे। इसे हम एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हम इसके ठंडा ठंडा पानी, ताकि ये खिली खिली बने। अब हम फटाफट से वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। प्याज को हम लेंगे ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम हरी मिर्च भी काट लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप अवॉइड कर सकते हैं। और आप इसमें पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने गाजर भी काट ली और कैप्सिकम को भी इस तरीके से लंबा काट लिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, और फिर डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई। इसे थोड़ा सा सौते करेंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जब ये हल्के से सौते हो जाएंगे प्याज, तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर। फिर हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और हमें कटोरी में सिरका जो हमने लिया था वो ले लेंगे, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, और जो हमने ऑरेंज फूड कलर लिया था 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे, जिससे हमारी मैक्रोनी का कलर बहुत अच्छा बनेगा। और आप चाहें तो फूड कलर अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ पनीर और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे फिर से हम। और इसमें हम डाल देंगे उबली हुई मैक्रोनी। आप चाहें तो पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चिली सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी सोया सॉस, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी शेज़वान चटनी और थोड़ी सी टमाटो केचप। और डाल देंगे मैगी मसाला और जो सिरका रेडी किया था 2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें सिरका, और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अजीनोमोटो, जो ऑप्शनल है। अब हमें करना है इसे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, और इसे हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, ताकि ये मैक्रोनी टूटे ना और अच्छे से सॉस में मिक्स हो जाए। मैक्रोनी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये सिंगापुरी मैक्रोनी। इसको आप एक बार खाएंगे तो सिंगापुरी नूडल्स को भी खाना भूल जाएंगे। इसके साथ मैंने सर्व किया है सिरका, जिसमें मैंने बारीक कटी हुई ग्रीन चिली डाल दी है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।